नेक्स्ट व्हाट वी विल स्टडी इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस किए थी, नाउ इट्स टाइम टू डू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी विच इज अप्लाइंग द फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो इसमें नॉन कॉन्टैक्ट वो फोर्स है जो एक बॉडी के ऊपर लगती है किसी दूसरी बॉडी की वजह से, बट वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आती. ठीक है. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. द फर्स्ट वन दैट वी आर स्टडीइंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. तो जनरली अगर हमें डिस्क्राइब करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, कोई भी दो बॉडीज आप ले लीजिए जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है. सो इट इज बिकॉज ऑफ देयर मास दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर. It is universally applicable. These are universal forces. Like for example, हम इसको जो describe करते आए हैं वो ऐसे हैं कि the force experienced by a body due to, मैं लिख देता हूं यहां पे, the force experienced by a body due to gravity of a celestial body like Earth, Sun, planets, Moon, stars, etc. ठीक है. इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख देते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, एज अ रिजल्ट इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट पे इसको डेफिनेशन बना लेते हैं, पर जनरल डेफिनेशन जो हम लिख सकते हैं, क्योंकि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक अर्थ सन प्लैनेट्स मून स्टार्स एक्सेट्रा, वैसे कोई भी बॉडी चाहे उसका जितना मर्जी मास है, वो दूसरे बॉडी जिसका मास है उस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है. बट आगे जाके हम ये पढ़ेंगे भी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ वैल्यू जो हम नोटिस कर सके, जैसे मैं ये चौक है, चौक को जो मैं छोड़ता हूं यहां से तो हम देखते हैं कि चौक फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी. अब मैं अगर आपको बोलूं ये पेपर है, ये चौक है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, यस देयर इज, बट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो लेस दैट वी कैनॉट सी द अट्रैक्शन, कि ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और चौक पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे हमें दिखाई नहीं देगा. ठीक है. तो इसलिए हमने डेफिनेशन में ये लिखा है कि एक बॉडी जो अट्रैक्ट करने वाली है वो सेलेस्टियल बॉडी होनी चाहिए लाइक अर्थ सन प्लैनेट्स मून स्टार्स एक्सेट्रा. ठीक है. क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन ही है, बट इसके एक और यूनिट होते हैं जिनको हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट वो होते हैं किलोग्राम फोर्स केजीएफ. ठीक है. वो क्या है? किलोग्राम फोर्स. अब 1 kgf जो है is equal to 9.8 newton या approximately you can say it is equal to 10 newton. Now how do
we define 1 kgf? 1 kgf is the force of attraction with which a body of mass 1 kg gets attracted towards Earth's surface. Earth's surface. So 1 kgf is that force with which a body of mass 1 kg gets attracted towards Earth's surface. ठीक है, तो 1 केजी की बॉडी अगर आप लेंगे, 1 केजी, तो जिस फोर्स से वो नीचे की तरफ गिरती है उसको हम 1 केजी का फोर्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 2 केजी बॉडी लेंगे तो जो फोर्स से वो नीचे गिरेगी वो 2 केजीएफ हो जाएगी, एंड देन 2 केजीएफ वुड बी इक्वल टू 9.8 इनटू 2 व्हिच इज 90.6 न्यूटन। ठीक है, तो बार बार जो हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू नीड टू रिमेंबर आउट ऑफ द 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट वी आर स्टडी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, इसमें दो बॉडीज जो है अपने मास के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाती। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है, नेम द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो यू नो नाउ दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अनदर वन मार क्वेश्चन वुड बी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमने यहां पे देखा ग्रेविटेशनल फोर्स में, जब अर्थ अट्रैक्ट करती है बॉडी को तो अर्थ बॉडी की तरफ नहीं जाती फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने, तो दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर रही है। एंड सिमिलरली वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो वी नो, वी हैव स्टडीड इन द पास्ट एज वेल, द फोर्स that exists between electrostatic charges, electric charges, या सिर्फ charges, is called electrostatic force. हमें पता है दो तरह के charges होते हैं, positive and negative. ठीक है, तो gravitational force की तरह electrostatic force जो होती है इसकी एक principle होता है on which it is based. The principle of electrostatic force is that like charges repel each other and unlike charges attract each other. This is the principle on which electrostatic force is based. So gravitational force always attractive, but this force can be attractive or repulsive in nature. ठीक है, अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अगर आप बात कर रहे हैं, दे वुड अट्रैक्ट, दे वुड कम क्लोजर टू ईच अदर। बट इफ वी हैव टू लाइक चार्जेस विच कैन बी माइनस माइनस और इट कैन बी वन प्लस एंड द अदर इज प्लस, दे बोथ वुड रिपेल, दे वुड try to go away from each other.
but they would opposite charges or unlike charges, they would attract each other. You must have observed this type of force. If we take a comb and rub it on our dry hair, and then if we try and bring it close to bits of paper, you did it in class 8th as well, you would see that the comb and the bits of paper have opposite charges. That is why the comb starts to attract the small bits of paper. This happens due to electrostatic forces of attraction, which gets developed in comb and bits of paper. ठीक है? तो ये आपकी electrostatic force है. Electrostatic force can be attractive, it can be repulsive. It is between two electric charges, like charges repel each other, unlike charges attract each other. So this is the principle or the rule on which electrostatic force is based. तो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स किसकी वजह से होती है? बॉडी के मास के कारण. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण होती है? बॉडी के अंदर चार्ज के कारण. ठीक है, द थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स. तो द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स, द फोर्स अप्लाइड बाय वन मैग्नेट ऑन द अदर मैग्नेट, or the force which is applied by one magnet on other magnetic materials which are made up of iron, cobalt and nickel is called magnetic force. ठीक है? अब magnetic force जो है वो भी attractive और repulsive हो सकती है, क्योंकि हर एक magnet के it has got two poles. It is also based on this principle or rule. Unlike या opposite poles of magnets, of two different magnets, attract each other and like poles of two different magnets. Repel each other. ठीक है, अगर हम दो मैग्नेट लेंगे और उनके ऑपोजिट पोल्स अगर पास में होंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगी. ठीक है, अगर हमारे पास ये सेट ऑफ टू मैग्नेट्स हैं तो इनमें अट्रैक्शन होगी, अगर ये पोल्स सिमिलर होंगे तो रिपल्शन होगी. और कोई भी आप एक मैग्नेट लीजिए, उसका चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वो मैग्नेटिक मटेरियल को हमेशा अट्रैक्टिव करेगा. ठीक है, सो लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर. ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल टाइप फोर्स हो गया. अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो हमने अब तक पढ़ा है, व्हाट वी हैव लर्न्ड इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सो लेट्स राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कि क्या सीखा है हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ के. पहला, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature. But electrostatic or magnetic force can be attractive or repulsive.
है, तो ये पॉइंट तो क्लियर है ऑलरेडी, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, एंड वेयर एज द सेकेंड पॉइंट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑल थ्री ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं तो बिटवीन बॉडीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो चार्जेस, और अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो पोल्स. एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. जैसे जैसे दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो आप उसका स्क्वायर कर लीजिए. जैसे मैंने दो बॉडीज के बीच में, ये दो बॉडीज हैं ए और बी, इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस पहले 1 मीटर का था. ठीक है, अगर मैं ये डिस्टेंस इन बॉडीज के बीच में 2 मीटर का कर दूं, तो ये फोर्स जो है 1/4 हो जाएगी. ठीक है, सेम चीज अगर मेरे पास दो चार्ज हैं ए और बी, उनका अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो फोर्स जो है 1/4 रह जाएगी. और पोल्स के केस में भी सेम चीज है, अगर मैं डिस्टेंस जो है डबल कर दूं पोल्स में, एंड देन द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वुड बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, so this is what we have studied about contact force and non-contact force. इस पोर्शन में से आपको कम से कम 2 या 3 बार के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी आर लुकिंग एट नाउ, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर का नाम, तो हमें धीरे धीरे, आइजैक न्यूटन ने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे वो पढ़ने, पर बिफोर वी गेट ऑन विद इट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उससे पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी का मैं बता दूं. न्यूटन से पहले गैलीलियो गैलीली वर्कड ऑन अ फ्यू थिंग्स ऑन मोशन. बिफोर गैलीलियो द पीपल हु वर वर्किंग ऑन मोशन, उनका सोच ऐसे थी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं या आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना चाहते हैं, तो वो बॉडी मोशन में उतना देर ही रहेगी जितनी देर आप फोर्स लगा रहे हो. आपने फोर्स लगाना बंद किया, वो बॉडी का मोशन जो है वो जीरो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल, जैसे आप कोई टेबल को पुश कर रहे हो, आप जितनी देर टेबल को पुश करते रहोगे, फोर्स लगाते रहोगे, टेबल पुश होता रहेगा, जैसे ही आपने फोर्स लगानी बंद की, टेबल वहीं का वहीं हो जाएगा. सो इट वॉज अ थॉट बिफोर गैलीलियो, इफ यू वॉन्ट टू मूव अ बॉडी एंड इफ यू वॉन्ट टू कीप अ बॉडी इन मोशन, यू वुड हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग द फोर्स सो दैट द बॉडी कैन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हमें सारी चीजें पता है, हमने आपको एग्जांपल दे दी. पर गैलीलियो का सोचना ऐसा नहीं था. गैलीलियो थॉट दैट नॉट नेसेसरली कि हम अगर फोर्स लगाएं उतनी देर ही बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहे,
ऐसा हो सकता है कि हम फोर्स ना लगाएं और बॉडी फिर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह पाए, पर सिर्फ उसकी एक कंडीशन थी कि किसी तरीके की एक्सटर्नल फोर्स और उसका जो एक्सटर्नल फोर्स को लेके कहना था वो ये था स्पेशली फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाई है आपने और उसको आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना है तो आप थोड़ी देर बाद उस पर फोर्स लगाना बंद कर दीजिए। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आराम से मोशन करती रहेगी। तो उसके लिए कुछ उसने एक्सपेरिमेंट भी किए थे, हमें पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली इन डेली लाइफ टू हैव फ्रिक्शनलेस सर्फेसिस। ठीक है ना, अगर आप इस चीज को देखें कि जैसे व्हेन आई किक अ बॉल, अब जैसे मैं सिंपल चीज को अगर बिफोर गैलीलियो और आफ्टर गैलीलियो में देखना हो, जैसे हमने बिफोर गैलीलियो कॉन्सेप्ट ये था कि आप टेबल को मूव कर रहे हैं, टेबल उतनी देर ही मूव होगा जितनी देर आप फोर्स लगाएंगे, टेबल रुक जाएगा अगर आपने फोर्स लगानी बंद कर दी, ऐसा होता है। वैसे ही ये है कि जैसे मैं बॉल है, बॉल को अगर मैं पैर से ऐसे साथ लेके आगे मूव करता रहूं तो बॉल उतनी देर मूव होती रहेगी जितनी देर मैं फोर्स पुश उसको हल्का सा ऐसे साफ करता जा रहा हूं। और जहां पे मैंने जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये चौक है, चौक को मैं पुश करते साथ लेके जा रहा हूं, जहां पे मैंने फोर्स लगानी बंद की चौक ने मूवमेंट करनी बंद कर दी। ठीक है, दूसरा गैलीलियो ने कहा ऐसा भी पॉसिबल है कि इस चौक को मैं यहां से फोर्स लगाऊं और वो मूव करे आगे। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा बट कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगनी चाहिए। जो इस केस में कौन सी है, जैसे मैं बॉल को किक करूं, बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाता है, क्यों रुकता है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वी नो दैट। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, थर्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो उसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, एक काफी स्मूथ सरफेस, जैसे आप देख रहे हैं इसकी इंक्लिनेशन, अब उसने यहां से बॉल लिया, उसने देखा जब वो इस सब सरफेस काफी स्मूथ है, आई होप ऑल दी सर्फेसिस आर विजिबल टू यू, ओके। सो यहां से बॉल लिया, उसने इस सरफेस स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया, उसने देखा कि ये सरफेस जो है यहां से उसने एच हाइट से ऐसे ड्रॉ किया था, ये एच हाइट दिख रही है इतनी, ये यहां से हमने ऐसे कैलकुलेट कर ये इतनी सेंटर तक बॉल के सेंटर तक। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि बॉल जो है यहां पे इतनी हाइट एच हाइट पे रुक जाती है। ठीक है, अब ये आगे देखिए, आगे उसने यहां से ऐसे बॉल को छोड़ दिया और इसकी हाइट आप मान लीजिए यहां से ये एच। अब ये बॉल जो है कहां पे जाके रुकेगा, एनी गैसेस, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, दैट्स राइट। उसने देखा कि ये बॉल एग्जैक्टली उसी हाइट पे जाके रुकता है जब तक ये उतनी हाइट जहां से ये आया था उतनी हाइट तक नहीं पहुंचता, ये बॉल मूव करता रहता है। आप यहां से देख रहे हैं, यहां से इस साइड तक जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा, दिख रहा है, यहां पे देखिए डिस्टेंस बढ़ गया, और यहां से अगर हम देखें उतनी हाइट पे जाने के लिए उसको कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है उतनी हाइट के लिए। तो उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर मैं सरफेस कुछ ऐसा बना लूं,
अगर ये हाइट h से बॉल गिर रहा है तो ये बॉल ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, ये बॉल रुक जाएगा कहीं पे जाके? नहीं, इट वुड नॉट स्टॉप टिल द टाइम उसको अपने बराबर वाली वो हाइट नहीं मिलती जितनी उस हाइट से वो था। दिस मीन्स अगर ये हाइट नहीं होगी, दिस बॉल वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल एंड ट्रेवल एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया? सो हिज पॉइंट वॉज कि अगर हम सरफेस को बिल्कुल फ्रिक्शनलेस कर दें, पूरा स्मूथ कर दें, तो अगर हम फोर्स लगा के किसी बॉडी को ऐसे, जैसे हमने बॉडी को यहां पे उठाया और यहां से छोड़ दिया, अब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आई, ठीक है, तो वो बॉडी जो है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती ही रहेगी जब तक कि उसका सामना एक एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन से नहीं होता जो बॉडी का मोशन स्लो डाउन कर दे और अल्टीमेटली स्टॉप कर दे। ठीक है, सो दिस वॉज, नाउ लेट्स क्विकली राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ गैलीलियो जिनके बेस पे न्यूटन ने ये लॉ दिया, ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियोस, इसका नाम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो लेट मी गिव यू द स्टेटमेंट एज वेल। अ बॉडी इफ वंस सेट इन मोशन moves with uniform velocity if no force acts on it. This is the statement of Galileo's law of inertia. ठीक है? So what is that? A body if once set in motion, आपको एक बार उस body को motion में लेके आना पड़ेगा, then it would keep on moving with uniform velocity if no external force acts on it. ठीक है, तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, ये है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी कोई रेस्ट में है, इट वुड रिमेन इन रेस्ट, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन इट। ठीक है, तो गैलीलियो लॉ की क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिली कि अगर बॉडी को रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है रेस्ट से मोशन में आ जाए। ठीक है, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन unless again an external force is applied on it. वो body तब तक motion में रहेगी जब तक कोई external force उस पर नहीं लगती, जैसे कि friction जो उसके motion को change कर दे, या आप एक moving ball है, ball किसी player के पास जा रही थी, उस player ने उस ball को hit कर दिया, तो उसने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी और उसका मोशन भी चेंज कर दिया। ठीक है, सो विद दैट न्यूटन डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स, ही कंबाइंड बोथ दीज ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया एंड फॉर्म्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन ने कुछ खास नहीं किया, मैं यहीं पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
जो इन दोनों ऑब्जर्वेशन को मिला के बना, ठीक है. ही सेड अ बॉडी इफ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विल कंटिन्यू टू रिमेन इन सेम स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दोनों ऑब्जर्वेशन को कंबाइन किया, रेस्ट और मोशन इकट्ठा किया और कहा कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी बॉडी जो है ऐसे की ऐसे ही रहेगी. ठीक है, कोई बॉल रोल कर रही है सरफेस पे, वो करती रहेगी क्योंकि उस पर लगातार एक एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन लग रही है जिसकी वजह से उसका मोशन कम होता जा रहा है एंड फाइनली इट स्टॉप्स. कोई टेबल अगर रेस्ट में है, अगर आपको इसको मूव करवाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो वे फोर्स लगाने से फिर मूव होगा. सो विद दैट कीप दिस वीडियो लेसन टिल दिस पॉइंट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे.